हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे. ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द कुलाम्स लॉ. जो कुलाम्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, जो दो चार्जेस के बीच जो अट्रैक्शन या रिपल्सन जो फोर्स है, उन फोर्सेस पे मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ. और दिस क्वेश्चन इज़ बेसिकली फॉर जेई मेंस एंड नीट लेवल. ठीक है, तो इसको नीट वाले भी देख सकते हैं, जेई मेंस वाले तो देखे ही देखे. ठीक है, तो अगर ये आपको बहुत ही अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं और भी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए अच्छे टॉपिक पर लेके आऊँगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. बार बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टेट का बेस है. ठीक है, तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है उसको देखो आप ध्यान से, अच्छे से पहले क्वेश्चन देखो और फिर इसको समझने की कोशिश करो. मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ आपको कुलाम्स लॉ आता है. ठीक है, कुलामिक जो फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच जो फोर्स है वो आपको बेहतर तरीके से आता है, सब पढ़ाई लिखाई किए हो. ठीक है, तो इन द गिवन फिगर कहता है इन सोन टू टाइनी कंडक्टिंग बॉल्स. देखो एक डायग्राम है, इसमें दो टाइनी कंडक्टिंग बॉल है, ये बॉल फर्स्ट है और ये बॉल सेकेंड है. देयर आर टू टाइनी कंडक्टिंग बॉल, हर मतलब इसका भी मास m है और इसका भी मास m ही है, दोनों का मास क्या है m है, और दोनों पे चार्ज भी सेम है, इस पर भी चार्ज q है और इस पर भी चार्ज q ही है. ठीक है, और ये नॉन कंडक्टिंग थ्रेड है जिनकी लेंथ कैपिटल L है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है उसकी वैल्यू दी हुई है कैपिटल L, और ये अजम्पशन दिया हुआ कि थीटा इतना छोटा है कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा के बराबर लिया जा सकता है. ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है, दिस इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज. ये जो चार्ज है इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की वैल्यू कौन सी होगी चार ऑप्शन में से, उसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है. आया आया क्वेश्चन समझ में? ठीक है, चलो अगर क्वेश्चन समझ में आया तो एक बार हम क्वेश्चन को यहाँ मैं आपको समझाता हूँ. देखो ये जो है वो वर्टिकल वाली लाइन है, यहाँ पे चार्जेस है, एक चार्ज यहाँ पे है एक चार्ज यहाँ पे है, चार्जेस इक्विलिब्रियम में है. तो ये जो डिस्टेंस है वो एक्स है, इसकी कैलकुलेशन हम लोग को करनी है. ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस एक्स है और ये एंगल थीटा है, तो देखो ये जो चार्ज है इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, कितने फोर्स लग रहे हैं ये देखो. बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है यार, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो आप कह सकते हो कि ये एक मैकेनिक्स का क्वेश्चन है. ठीक है, तो इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं उसको देखो. तो सबसे पहले स्ट्रिंग सेट है ऐसा, तो स्ट्रिंग में टेंशन टी लगेगी, इधर चला गया, टेंशन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अवे लगता है. ठीक है, अब इसके पास मास है तो अर्थ लगा देगी एम जी, टेंशन कौन लगाया, स्ट्रिंग किस पे लगाया, चार्ज पे. ठीक है, अब यहाँ पे जो प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, तो इन दोनों में इलेक्ट्रिकल रिपल्सन वो इधर चला जाएगा. ठीक है, तो इसको आप तीन तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे टॉर्क ले लेना. ठीक है, इसको तीन मेथड से कर सकते हो, मैं एक ही मेथड से बता देता हूँ. यहाँ पे टॉर्क ले लेना, बैलेंस कर देना अगर टॉर्क लेने आता हो, लामी थ्योरम से कर सकते हो और सिंपल वेक्टर वाले रिजोल्यूशन से भी कर सकते हो. अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये अगर वर्टिकल वाली लाइन है तो ये एंगल कितना हो गया थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ये वाली लाइन. ठीक है, तो ये जो टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर गया जिसको मैं बोलूँ टी कॉस थीटा, और टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आया जिसको मैं बोलूँ टी साइन थीटा. तो टी कॉस थीटा टी साइन थीटा. अब फोर्सेज, जो भी फोर्सेज लग रहे हैं उनको क्या करो, बैलेंस कर दो. तो फोर्सेज को अगर बैलेंस कर दोगे तो देखो क्या क्या मिलेगा, इधर जो लग रहा है वो टी साइन थीटा, टी साइन थीटा जो बैलेंस है टी साइन थीटा वो इलेक्ट्रिकल को बैलेंस कर लेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स. भाई यहाँ पे नेट फोर्सेस क्या है, जीरो में, इक्विलिब्रियम में चार, तो ये एक्स एक्सिस वाले फोर्स वाई एक्सिस वाले अपवर्ड और डाउनवर्ड को कैंसिल कर रहे होंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा. जितना इधर फोर्स लग रहा है उतना इधर फोर्स लग रहा होगा. ठीक है, और टी कॉस थीटा इसके वेट एम जी को बैलेंस कर लेगा, तभी तो जाके रेस्ट में रहेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा.
चलो तो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने के बाद जो मुझे मिला वो मिला tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू f इलेक्ट्रिकल अपॉन mg, ठीक है। अब f इलेक्ट्रिकल की वैल्यू वो रखो, तो f इलेक्ट्रिकल इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिकल वाली फोर्स है वो कितनी है भाई? अरे भाई ये इलेक्ट्रिकल वाला फोर्स सबको पता है, कूलामिक फोर्स, इसका चार्ज q है, इसका चार्ज q, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस x है, तो यह आ जाएगा कॉन्स्टेंट k q स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल की वैल्यू। चलो tan थीटा की वैल्यू रखो, tan थीटा sin थीटा के अप्रॉक्सीमेटली बराबर है, तो tan थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू sin थीटा। अगर tan थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू sin थीटा है तो यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल में आ जाओ, साइन थीटा पी दैट इज एक्स बाई टू, ठीक है, समझ रहे हो ना भाई? अरे भाई ये यहाँ एक ट्राइंगल बना है और ये एक्स बाई टू है और ये लेंथ एल है, ठीक है। तो कितना बना? साइन थीटा की वैल्यू एक्स बाई टू अपॉन एल, तो साइन थीटा की वैल्यू एक्स बाई टू अपॉन एल। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दो और एक्स के लिए सॉल्व कर लो, वही हमारा क्या होगा? सोलूशन होगा। चलो ये दो वैल्यू यहाँ रखते हैं अपने इक्वेशन में और उसको x के लिए सोलूशन देखते हैं, x के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो सॉल्व किया जाए, रखो भाई tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x ओवर 2l, x ओवर 2l एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी kq स्क्वायर x स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एम जी, के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी। तो बेसिकली जो x की जो वैल्यू आ जाएगी x पावर q इज इक्वल टू 2l इज इक्वल टू k को ओपन कर दो 1/4πε0 q स्क्वायर और एम जी। तो फाइनल सोल्यूशन जो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई l 2πε0 mg की पावर 1/3, ठीक है। देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, है कोई है कि ऐसे ही फर्जी आ गया ये? तो x की वैल्यू q स्क्वायर l 2πε0 mg के बराबर है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर, एल कैपिटल में है कोई बात नहीं, 2πε0 एम जी आप स्मॉल में एज्यूम कर लो, ठीक है। तो दिस वन इज द, चलो बच्चे इस वाले क्वेश्चन को, चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखो इसको कि टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस डी, दो चार्ज हैं उनके बीच का जो सेपरेशन है वो डी है और ये थर्ड चार्ज प्लेस अंडर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर एट ए डिस्टेंस एक्स विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलामिक फोर्स, ठीक है। समझना भाई, हम लोगों के पास दो चार्ज है, दिस इज द चार्ज प्लस क्यू एंड दिस इज द चार्ज इज ऑल्सो प्लस क्यू, दे आर टू चार्जेस, दे आर सेपरेटेड डिस्टेंस डी, ठीक है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो डी, इनके बीच का क्या है? सेपरेशन है, ठीक है, क्लियर है। तो अब इनके परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे, ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, दिस इज द डी बाई टू एंड दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस डी बाई टू, दिस डिस्टेंस इज डी बाई टू एंड दिस डिस्टेंस इज डी बाई टू। यहाँ पर ये थर्ड चार्ज प्लेस्ड ऑन परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, ये थर्ड चार्ज परपेंडिकुलर, अब यहाँ पर एक थर्ड चार्ज मान लो मैंने प्लस क्यू रख दिया, ठीक है। अब ये कहता है कि ये जो एक्सपीरियंस है वो मैक्सिमम फोर्स इतना एक्सपीरियंस करेगा किस डिस्टेंस के लिए, ये जो डिस्टेंस है ये हमें निकालना है, दिस डिस्टेंस x। देखो जब मैं यहाँ से इधर जाऊँगा तो फोर्स की वैल्यू, ठीक है, हो सकता है कम हो, कम होते हो तो मैक्सिमम हो, फिर डिक्रीज होते होते जीरो हो जाए। तो मुझे उस x की वैल्यू निकालनी है जिस पे जो चार्ज q है वो मैक्सिमम फोर्स फील कर रहा है, ठीक है। तो चलिए मैक्सिमम फोर्स फील कर रहा है उसकी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, ठीक है ना। चलो तो आई होप कि ये आपको, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से यहाँ पे एक फोर्स, ये जो है वो इधर फोर्स लगा रहा है, उसको मैं इलेक्ट्रिकल फोर्स f बोल देता हूँ।
ठीक है, और ये जो है इसी चार्ज पार्टिकल को इधर फोर्स लगाएगा, उसको मैं भी एफ ई बोल देता हूँ, ठीक है, समझ रहे ना। ये जो प्लस क्यू है और इस प्लस क्यू पे इधर रिपल्सन लगाएगा, ये जो प्लस क्यू है इस प्लस क्यू पे इधर रिपल्सन लगाएगा, क्लियर है बात। अब मान लो ये जो एंगल है कुछ थीटा डिग्री है, तो ये भी तो थीटा होगा। अब जो F है उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये जो F है उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट आ जाएगा F cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जिसको मैं बोलता हूँ F sin थीटा, ठीक है। अब उसी तरह से ये इसका लगाया हुआ फोर्स इस पे, ये जो फोर्स लगा रहा था इस पे, उसके भी दो कंपोनेंट आ गए, कौन कौन, F cos थीटा इधर आ गया और F sin थीटा इधर आ गया, ठीक है। अब देखो बाई सिमेट्री तुम देख सकते हो कि डिस्टेंसेज इक्वल हैं, चार्जेस के मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। तो ये जो एफ साइन थीटा हॉरिजेंटल फोर्स कैंसिल हो जाएगा, तो इस पे जो नेट फोर्स बचेगा, नेट फोर्स इस पे नेट फोर्स बचेगा वो 2F cos थीटा, तो नेट फोर्स जो बचेगा, नेट फोर्स वो बचेगा 2F cos थीटा, दिस इज द नेट फोर्स, आया हुआ बात क्लियर। तो ये वो नेट फोर्स है जो फील करेगा, कौन, ये वाला। अब चलो वैल्यू डाल दो, F की वैल्यू डाल दो, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। तो ये x है, ये dy2 है, तो हाउ मच डिस डिस्टेंस, x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट। सिमिलरली ये dy2 है और ये x है, तो ये डिस्टेंस अगेन हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट, ठीक है। तो cos थीटा और f की वैल्यू डाल दो, f क्या है, इनके बीच का अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स है, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f की वैल्यू हो जाएगी k q स्क्वायर ओवर इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर x बाई d स्क्वायर बाई 4 रूट का स्क्वायर, ठीक है। प्लस cos थीटा की वैल्यू डाल दो, cos थीटा की वैल्यू डाल दो इस ट्रायंगल से, b बाई h, इस ट्रायंगल में आ जाओ, b बाई h, b क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू b बाई h, x अपॉन h की वैल्यू x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और 4 अंडर रूट है, हुआ क्लियर, नहीं आया, इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में, ठीक है, cos थीटा लगा दो। अब इसको जोड़ घटा लो, जो भी है मल्टीप्लाई कर लो, जो भी है इसको सॉल्व कर लो, यहीं से हमें फोर्स की x की वैल्यू निकलने के चांस हैं, ठीक है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो फाइनली मैं f को लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ के क्यू स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 लिख सकता हूं इसको, है ना, लिख सकता हूं। अब जो f है वो देखो, इसमें दो वेरिएबल है, कौन कौन, x और f, ठीक है। x जैसे जैसे वेरी करेगा फोर्स वैसे वैसे वेरी करेगा, बाकी सारे क्या है, कांस्टेंट है, d कांस्टेंट रहा है, ठीक है, तो बाकी सारे कांस्टेंट है, तो ये जो है इसको जो f will be maximum, अगर इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन df over dx मस्ट बी इक्वल टू जीरो, अगर df इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन फोर्स का फर्स्ट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x अगर जीरो हो, तो उस जब x आएगा उस x के लिए फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो d over d डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको मैं लिख सकता हूँ k q स्क्वायर x, ये जो डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर ले जाओ और प्रोडक्ट, देखो वैसे डिवीजन रूल भी डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हो, डिवीजन रूल यूज करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, इसको ऊपर ले जाओगे तो थोड़ा रिड्यूस करोगे, प्रोडक्ट रूल लगा दोगे तो ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, और ज़्यादा आसानी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 की पावर माइनस 3/2 दैट इज ऑल इक्वल टू जीरो, चलो अब इसको सॉल्व करो, जीरो से इक्वेट करो, देखो कितना आता है, ठीक है। चलो
तो ये जब इसको सॉल्व करोगे प्रोडक्ट रूल, ये के क्यू स्क्वायर इधर निकल गया, उधर जीरो हो गया, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मार रहा हूँ और इसको मैं सेकेंड फंक्शन मार रहा हूँ, ये बाहर आ गया, जीरो हो गया, ठीक है, उधर जीरो है, तो इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूँ, उसको मैं सेकेंड मान रहा हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर, ठीक है, -3/2 -1, ठीक है, x की पावर n से जो है, लेकिन अंदर भी फंक्शन है, तो चेन रूल से डिफरेंशिएशन 2x, अंदर भी फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया प्लस साइन फार्मूले से, ठीक है, प्रोडक्ट वाले फार्मूले से, इसको डिफरेंशिएट करो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और इसको कॉपी कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और -3/2 ऑल इक्वल टू ज़ीरो, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन आ गया तो x को यहाँ कॉपी भी तो करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट किए थे और जो x था उसको कॉपी कर दिए, ठीक है, तो x को अगर कॉपी कर दिए तो 2 ने 2 को ख़त्म कर दिया, तो इधर आ जाएगा -3x स्क्वायर, ठीक है, -3x स्क्वायर, और यहाँ से एक पावर मैं कॉमन ले रहा हूँ, मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, देखो x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 की -3/2 इधर भी है और इधर भी है, तो इनको मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 की पावर -3/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा -3x स्क्वायर और प्लस -3x स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 की पावर -1, इधर बचा +1, दैट ऑल इक्वल टू 0। अरे आया समझ में यार, ठीक है, यहाँ ये वाला जो टर्म था वो कॉमन था, कॉमन लेने तो सभी को आता होगा इस दुनिया में, ठीक है, तो चलो अब इसको हम सॉल्व करेंगे x के लिए, ठीक है, अब ये जो इसको जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू ही नहीं है, या तो अब ये दोनों देखो, ये तो 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा, तो जब ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है, तो इसको इक्वेट कर देते हैं 0 को, तो -3x स्क्वायर एंड दैट इज x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 और -1 + 1, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, सॉल्व कर लो, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0, तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो -3x स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4, ठीक है, d स्क्वायर बाई 4 -1 = -1, ठीक है, तो ये आ जाएगा -3x स्क्वायर / x स्क्वायर + d स्क्वायर बाई 4 = -1, ठीक है, चलो और इसको सॉल्व करो x के लिए, तो इधर बच जाएगा -3x स्क्वायर और इधर बच गया माइनस उधर था तो -1 था, तो ये इधर आ गया, ठीक है, 2 हो गया, और इधर बच गया ये माइनस आके प्लस हो गया, और ये -d स्क्वायर बाई 4, ठीक है, तो -d स्क्वायर बाई 4, तो अल्टीमेटली जो a है ये आ गया -2x स्क्वायर और -d स्क्वायर बाई 4, मतलब x की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो प्लस माइनस, x की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी +d/2√2, तो ये वाली जो वैल्यू है इस फोर्स के लिए, इस x के लिए जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, आया समझ में, तो x इक्वल टू प्लस माइनस d/√2 के लिए फोर्स मैक्सिमम होगा, इसको समझो कि इसका एक कहने का मतलब ये है कि देखो अगर यहाँ पर दो चार्जेस हैं, ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, इक्वल है, तो ये जो बाइसेक्टर वाली लाइन है यहाँ से ऊपर चले जाओगे तो जो भी फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम होगा अगर ये डिस्टेंस x की वैल्यू dy√2 हुई तो, ठीक है ना, और यहाँ से नीचे चले आ जाओगे यहाँ पर जो भी फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी अगर -d/2
टू रूट टू हुआ, तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, तो यही बता रहा है कि अब यहाँ पर जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगा, उसके बाद घट रहा होगा, मतलब यहाँ से आगे चलोगे तो इंक्रीज हो रहा होगा, यहाँ से जाओगे तो फोर्स इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते होते मैक्सिमम होगा, उसके बाद वो घट रहा होगा। तो इस टाइप से कुछ वेरिएशन हमें, अब वो मैक्सिमम कितना है जो फोर्स का इक्वेशन था उसमें एक्स पुट अप कर देना, ठीक है, अल्टीमेटली ये जो फाइनल आया देख लेते हैं कि कौन सा इसमें से सही है। तो ये वाली जो चीज़ है ये थर्ड इक्वेशन जो है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब तुम्हें देखना फोर्स मैक्सिमम कितना है, तो फोर्स मैक्सिमम कितना है तो इस वाले में एक्स की वैल्यू रख देना और उसको सॉल्व कर लेना, जो भी फोर्स आएगा एक्स की वैल्यू डी वाई रूट टू पे वो मैक्सिमम होगा, नॉर्मल नहीं होगा। चलो इसको देखो, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये चार्ज क्यू प्लेस्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इफ द टाइम पीरियड ऑफ द टी नॉट, ठीक है। अब देखो एक सिंपल पेंडुलम है, अब उसका जो टाइम पीरियड है वो टी नॉट है, व्हेन पैरेलल प्लेट्स आर चार्ज द टाइम पीरियड बिकेम टू टी। पहले जो टाइम पीरियड था वो टी नॉट था, टी नॉट क्या था, इनिशियल टाइम पीरियड था, ठीक है, जब कैपेसिटर पे चार्ज नहीं था, ये प्लेट्स हैं, ठीक है, इनके प्लेट्स पे चार्ज नहीं था, तो ऐसे समझ लो कि ये प्लेट्स हैं, इन पे कुछ प्लस प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस प्लस चार्ज है, और ये जो कैपेसिटर है इसके पे ये माइनस माइनस चार्ज है। अब यहाँ पर मैंने कुछ एल लेंथ का सिंपल पेंडुलम रखा जिसके पास मास एम है, ठीक है, तो स्मॉल वायर इनके इसके पास चार्ज भी है प्लस क्यू, इसके पास चार्ज भी है प्लस क्यू, इसके पास चार्ज है। इस पे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स फील्ड की इलेक्ट्रिकल फोर्स फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी और फोर्स इज इक्वल टू होता है क्यू ई, तो इस पे जो फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। अब अगर ये ऑसिलेट करता है इसमें, तो इस ऑसिलेशंस में टाइम पीरियड जो है वो टी हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना हो गया टी, टी नॉट तो पहले था, ठीक है, इनिशियल था, जब इसको चार्ज किए तो टाइम टी हो गया, तो इन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का देख लेना, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, नीट वगैरह में भी और जेईई मेंस में भी। चलो तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो सबसे पहले इनिशियल टाइम पीरियड कितना था, इनिशियल टाइम पीरियड कितना होता है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2πL/g√, ठीक है, 2πL/g√, ये वाली चीज़ समझो, बहुत अच्छे से समझो कि 2πL/gL ये क्या चीज़ होती है। इसमें जो L है वो एक इफेक्टिव लेंथ है, इस पॉइंट सस्पेंशन से इसके सेंटर ऑफ मास से जो लेंथ है, ठीक है, वो पॉइंट जो पॉइंट बॉल है, ठीक है, समझ रहे हो ना, उसके बीच का ये लेंथ है, ठीक है, अगर ये बड़ा हो गया, ये बॉब बड़ा हो गया तो लेंथ अब यहाँ से काउंट होगा, ठीक है, ये वाली जो लेंथ है दिस इज द लेंथ, और जो जी लग रहा है, जो जी लग रहा है वो इस पॉइंट पे इस लाइन में जो लग रहा था जी, वो नेट एक्सलेशन था, जी इफेक्टिव जी उसको बोल सकते हो तुम, वो क्या था, इफेक्टिव जी नेट एक्सलेशन। तो अगर मैं इसको अब देखो, पहले टी नॉट था उसको टी नॉट ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं इनको कैपेसिटर के प्लेटों के बीच रखूँगा तो अब मैं इसको ऑसिलेट यहाँ पर कराऊँगा तो इस पर प्लस चार्ज है, तो इस पर अब जो फोर्स लगेगा, पहले तो सिर्फ एम जी लग रही थी इधर इस लाइन के लेंथ के लॉन्ग, इस लेंथ के लॉन्ग देखो फोर्सेस, इस लेंथ के लॉन्ग इस पॉइंट पे देखोगे तो अब यहाँ पे एक और फोर्स आ गया, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्यू ई, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फोर्स क्यू ई। तो अब जो नेट फोर्स बना, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, दैट इज द एम जी डैश, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू ई प्लस एम जी वर्टिकल लाइन में, ठीक है। पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था तो जी डैश जी के बराबर था जो कि हम रख दिए, तो इस लाइन वाइज देखो, इस लाइन में, ठीक है, लेंथ वाइज, तो यहाँ से ये यहाँ पर जब तुम रखोगे ये वाली चीज़, तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा जी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी क्यू ई अपान एम प्लस
क्यू अपन एम प्लस जी दिट इज द जी इफेक्टिव, ये इस टाइम जी इफेक्टिव आएगा, ठीक है। तो अगर ये जी इफेक्टिव आ गया तो चलो जी जी इफेक्टिव अगर ये आ गया तो टाइम पीरियड कितना आ गया, तो नया जो टाइम पीरियड बना, नया टाइम पीरियड वो बना 2 पाई एल बाई जी डैश अंडर रूट दैट इज द टी, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया। तो 2 पाई एल बाई जी की वैल्यू डाल दो, जी की वैल्यू डाल दोगे तो ये आ जाएगा क्यू अपन एम और प्लस क्यू अपन एम प्लस जी अंडर रूट, ये वाली चीज़ आ जाएगी तुम्हारे पास। दिस इज द न्यू टाइम पीरियड डबल रूट, दिस इज द न्यू टाइम पीरियड। अब अगर ना डबल रूट नहीं लगे ना, सिंगल रूट, तो न्यू ये जो चीज़ है क्यू ई सिंगल रूट लगेगा, क्यू जी क्यू अपन एम और ये दिस इज द टाइम पीरियड, ठीक। चलो अब डिवाइड कर दो, क्या क्या पूछा था, इन दोनों का रेशियो पूछा था, टी और टी नॉट का रेशियो पूछा था। देखो क्या पूछा था क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में पूछा था टी अपॉन टी नॉट, मतलब फाइनल में से इनिशियल वाले को डिवाइड कर दो। तो फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को अगर डिवाइड कर दोगे तो देख लो कौन सा मिलता है, फाइनल टी ओवर टी नॉट। तो टी क्या था, फाइनल। अब देखो क्या ओरली मैं डिवाइड कर देता हूँ, फाइनल टी कितना है, 2 पाई एल बाई और टी नॉट जो है जी से टी नॉट, इनिशियल से डिवाइड करोगे तो जी ऊपर चला गया, डिवाइड कर लेना तो जी ऊपर चला जाएगा और ये इनिशियली ये बच जाएगा, मतलब सी ऑप्शन सही है ना, ठीक है, समझ में आया। डिवाइड कर दूँ 2 पाई टी ओवर टी नॉट, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है, डिवाइड कर लेना तुम दोनों को। चलो लेकिन इसमें क्या है कि अगर डायरेक्शन बदल जाए, कभी कभी क्या है ना डायरेक्शन बदल दिया, जैसे मान लो प्लेट्स ऐसे लगा दिया ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, ठीक है। तो अब अगर माइनस चार्ज है तो अब जो सिंपल पेंडुलम का अब जो टाइम पीरियड है प्लस क्यू है और लेंथ एल है, ठीक है। तो अब देखो अब फोर्सेज इस पर कितना लगेगा, अब जो फोर्सेज है एम जी तो अभी भी ऐसे ही लगेगा लेकिन अब इलेक्ट्रिकल फोर्स क्यू ई वो ऐसे चला गया, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्यू ई ऐसे चला गया, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे है तो अब देखो अभी मैं क्या बताया कि रिजल्टेंट लेना नेट जी इफेक्टिव, तो अब जो नेट फोर्स आएगा वो एम ए दैट इज एम जी, ठीक है, एम जी दैट इज इन दोनों का रिजल्टेंट जो नेट फोर्स आएगा वो इधर कहीं आएगा और इधर कहीं आएगा, तो वो जो नेट फोर्स है उस नेट फोर्स की वैल्यू वो एम जी स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज द नेट फोर्स। तो जो अब जी इफेक्टिव बनेगा तो अब जो जी डैश बनेगा वो एम को अंदर ले जाओगे तो एम स्क्वायर बनेगा, मतलब जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपन एम का स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज द जी इफेक्टिव। आया बात समझ में। तो अब जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई एल ओवर दिस जी जी स्क्वायर प्लस क्यू ई एम का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट और ओवरऑल अंडर रूट, दिस इज द न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। मतलब हमें नेट फोर्स इस पे देखना है, नेट फोर्स, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर मान लो ये इसका डायरेक्शन और चेंज कर देता, मान लो ये सिंपल पेंडुलम है, दिस इज द सिंपल पेंडुलम, अब बॉब मास चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, बॉब मास चार्ज प्लस क्यू, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पर आने लगी, ये प्लेट्स ऐसे रख दिए, ठीक है, ये प्लस चार्ज है, ठीक है, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, दिस इज द प्लस दिस इज द माइनस, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पे ऐसे आने लगी, दिस इज द थीटा, ठीक है,
ठीक है। अब इस पे एक और फोर्स लग रहा है, mg तो पहले ही लग रही है, तो ये mg ऐसे लग रही है, ठीक है। और ये थीटा डिग्री पे आ गया, तो ये एंगल इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 प्लस थीटा। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजेंटल वाली लाइन है और ये वर्टिकल वाली लाइन है, तो ये पूरा एंगल इस जो फोर्स, अब जो फोर्स आएगा वो QE ऐसे आएगा, तो QE और MG के बीच का जो एंगल बना वो 90 प्लस थीटा बना, ठीक है। तो अब जो नेट फोर्स मैं लिखूंगा, नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू MA, दैट इज इक्वल टू MZ डैश, नेट रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, दैट इज द QE स्क्वायर प्लस MG स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस 2QE MG cos 90 प्लस थीटा अंडर रूट, ठीक है। तो ये 90 प्लस थीटा अंडर रूट, दिस इज द इफेक्टिव। अब यहाँ से जो G इफेक्टिव आएगा, ठीक है, देखो जो G इफेक्टिव की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी QE अपान M का स्क्वायर प्लस Z का स्क्वायर प्लस 2QEZ अपान M cos 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा भाई, cos 90 प्लस थीटा को लिख दो साइन थीटा, cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए क्यू में, तो दिस इज द जी इफेक्टिव, ठीक है। अब जो टाइम पीरियड आएगा वो बदल जाएगा, टाइम पीरियड 2πL/Z अंडर रूट, इसको ला के यहाँ पे रख दो Z, दिस इज द न्यू टाइम पीरियड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिंपल पेंडुलम वाले जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। ये जेई मेंस का देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, इसको सॉल्व करो, देखो ट्राई करो, देखो कोशिश करो, होता है। थ्री चार्जेस प्लस माइनस Q1 आर प्लस एट द फिगर, फाइंड द नेक्स्ट फोर्स ऑन माइनस Q1 प्रोपोर्शनल टू, देखो तीन चार्जेस है, बड़े ध्यान से देखो इसको, सबको फोकस होके अच्छे से इसको पढ़ाई करो। ये माइनस Q1 है और ये प्लस Q2 है और इधर कितना है माइनस Q3। अब माइनस Q1 पर जो नेट फोर्स है इज प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स। अब जो समझो ये एक्स एक्सिस इधर लिया गया है, तो जो माइनस Q1 है उस माइनस Q1 पे जो भी फोर्स लग रहा है उसका एक्स कॉम्पोनेंट, जो फोर्स लग रहा है किधर भी लग रहा हमें नहीं पता है, तो जो फोर्स लग रहा है उसका एक्स वाला कॉम्पोनेंट इसमें से किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे, तो चलो देख लेते हैं कि नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे। तो नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है भाई, ये माइनस क्यू है, इधर गया रिपल्सन इसका, ये कितना होगा रिपल्सन Q1 Q3 ओवर ए स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है वो ये दिया हुआ है। चलो ये जो Q2 है Q1 को इधर अट्रैक्ट करेगा, उसका जो फोर्स है उसको मैं लिख देता हूँ कितना है K Q1 Q2 ओवर B स्क्वायर, क्लियर है। तो इस वाले पार्टिकल पे जो माइनस Q1 है इस पे दो फोर्स लगने लगा, कौन कौन भाई जी, एक इधर गया x में जा रहा है और एक x एक्सिस से, अगर ये थीटा है तो वर्टिकल से ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकल से थीटा डिग्री पर था ये भी थीटा हो गया। तो ये जो F लग रहा है F डैश बोल देता हूँ, इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि ये X एक्सिस में नहीं जा रहा भाई ना Y एक्सिस में जा, तो मैं देखूँगा इसका X वाला कंपोनेंट कोई है, तो F डैश साइन थीटा इधर गया और F डैश कॉस थीटा इधर आया। तो अब जो भी फोर्स लग रहा था इस पे वो सारा फोर्स या तो x में लग रहा है या तो y में लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो भी फोर्स लग रहा है वो x में लग रहा है या तो y में, हमें क्या चाहिए,
हमारी जो जरूरत है वो एक्स कॉम्पोनेंट वाली फोर्स है। तो एक्स एक्सिस में कितना फोर्स लग रहा है उसको देख लो। तो एक्स एक्सिस में जो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, वो लग रहा है इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन कौन कौन सा है, के क्यू वन क्यू टू ओवर बी का स्क्वायर प्लस ये जो फोर्स लग रहा था ये वर्टिकल से थीटा डिग्री पे, इसका एक कॉम्पोनेंट एफ डैश साइन थीटा, एफ डैश की वैल्यू एफ डैश साइन थीटा, तो एफ डैश की वैल्यू डाल दो। तो जो फोर्स एफ एक्स लगा वो लगा के क्यू वन क्यू टू ओवर बी स्क्वायर और एफ डैश की वैल्यू के क्यू वन क्यू थ्री ए स्क्वायर साइन थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ऑन दिस पार्टिकल। ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे जो भी फोर्स लग रहा है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है। हमें प्रोपोर्शनलिटी चाहिए, हमें प्रोपोर्शनलिटी लिखना है। तो जो ये वाला जो एफ फोर्स आया, ये दिस फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू, एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू टू अपान बी स्क्वायर प्लस क्यू टू अपान बी स्क्वायर क्यू थ्री अपन ए स्क्वायर साइन थीटा। दिस इज द फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू एक्स एक्सिस, ये वाला। अब देखो कौन सा इसमें से मैच कर रहा है, ठीक है, क्यू टू क्यू थ्री बी साइन थीटा, क्यू थ्री बी क्यू थ्री क्यू थ्री क्यू थ्री बी ए स्क्वायर, क्यू थ्री ए स्क्वायर साइन थीटा और Q2 B स्क्वायर, मतलब C ऑप्शन मैच कर रहा है, द C वन इज द करेक्ट, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करो क्वेश्चन, देखो ये इसको करो, ये भी एक, ठीक है, इसको करो। देखो फोर चार्जेज है, माइनस Q प्लेस एट द फोर कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर एंड चार्ज Q इज प्लेस एट सेंटर, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ Q, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, समझ रहे ना, दिस इज द स्क्वायर। चलो एक स्क्वायर बनाते हैं हम लोग, ठीक है, बना लें ना यार, बना लो अपने ही हाथ में है। तो दिस इज द स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, इसके वर्टेक्स पे माइनस क्यू कैपिटल क्यू माइनस कैपिटल क्यू माइनस कैपिटल क्यू और माइनस कैपिटल क्यू, देयर आर फोर चार्जेस एट द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। चार्जेस को मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये आँखों से दिखाई दे, ये स्क्वायर है, इसके वर्टेक्स पे माइनस क्यू है। अब इसके सेंटर पे, जो सेंटर है स्क्वायर का, सेंटर यही होता है, सेंटर पे ये क्यू चार्ज रख दो। अब ये कह रहा है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है और पार्टिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सिस्टम में जितने भी पार्टिकल हैं सब पे नेट फोर्स ज़ीरो है, ठीक है। जैसे ये मेरा रूम है, अगर ये मेरा रूम, पूरा रूम का जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो रूम पे लगने वाले हर एक ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स ज़ीरो है। अब मैं बात करता हूँ, मेरा चेयर इक्विलिब्रियम में है, टेबल इक्विलिब्रियम है, तो मैं किसी पार्टिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। ये बात समझ में आ गया, चार्ज इक्विलिब्रियम में अलग हो गया, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है वो अलग हो गया, ठीक है। तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्सेज ऑन ऑल द चार्जेज विल बी जीरो, पांच हैं, पांचों पे नेट फोर्स जीरो है। तो मुझे चाहिए स्मॉल क्यू की वैल्यू, क्या चाहिए, स्मॉल क्यू की वैल्यू। चलो स्मॉल चेक करते हैं, चेक करते हैं इक्विलिब्रियम, चलो इसका चेक करें, चलो पहले इसी का चेक कर लो। अगर मान लो ये प्लस हो, ठीक है, साइन बताया नहीं, मान लो ये प्लस हो, तो इसको इसको प्लस होने के बाद इसको अट्रैक्ट करेगी, इसके इसकी इक्विलिब्रियम हो जाएगी, समझ रहे हो। अगर ये प्लस हो तो जो ओ पे है सेंटर पे, उसकी इक्विलिब्रियम तो हो जाएगी। तो अगर ये प्लस हुआ, ठीक है, तो इसकी तो इक्विलिब्रियम हो जाएगी, ठीक है। अगर अब इसकी इक्विलिब्रियम देखते हैं, क्योंकि इसको सभी ऐसे ऐसे अट्रैक्ट करें ना, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा भाई। अब इसकी देखो, इसको ये माइनस की इधर रिपल किया और ये इधर रिपल किया, और ये डायगोनल वाला भी इसको नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना, समझ रहे ना। ये माइनस क्यू वाले को ये माइनस क्यू इधर रिपल करेगा, इसी माइनस क्यू को ये माइनस क्यू वाला इधर रिपल करेगा,
इसी माइनस क्यू को ये माइनस क्यू वाला भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है, जितने भी रहेंगे सब लगाएंगे, माइनस क्यू वाला इस माइनस क्यू को इधर रिपेल करेगा। अगर ये प्लस हुआ तो इस पे अट्रैक्शन इधर आएगा, तब जाके इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि इसका रिजल्टेंट ये वाली जो फोर्स है, ये मैं एफ बोल देता हूँ, ये वाली जो फोर्स है ये भी मैग्नीट्यूड में एफ है, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट उधर जाएगा जिधर इसका रिपल्सन जा रहा है, ठीक है भाई, इधर रूट टू एफ और प्लस इसका रिपल्सन, इसको मैं एफ डैश बोल देता हूँ, प्लस एफ डैश। तो ये दो जो वर्टेक्स वाले चार्जेस थे, जो वर्टेक्स वाले चार्जेस थे उनका रिपल्सन तो इधर जाने लगा। अब इसको कोई तो कोई बैलेंस करेगा, तभी तो भाई इक्विलिब्रियम आएगा। इनको तो मैं रोक नहीं सकता, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है इस पर। अगर अगर इसके बारे में सोचोगे, इक्वेशन बनाओगे, तो सब कैंसिल आ जाएंगे क्योंकि वैल्यू आएगी नहीं, तो मुझे वर्टेक्स वाले के बारे में सोचना पड़ेगा। तो वर्टेक्स वाले के बारे में मैं कैसे सोचूं भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले चार्ज को प्लस ही होना पड़ेगा। अगर मान लो एक मोमेंट के लिए कि ये माइनस होता, तो इसका और इसका, इन दोनों के बीच का जो रिपल्सन है वो भी इधर जाता और ये जो चार्ज है इधर एक्सेलरेट कर जाता, तो इक्विलिब्रियम बनता ही नहीं। मतलब ये है कि जो माइनस क्यू है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया भाई, तो क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कभी माइनस नहीं हो सकता, ये गलत बात है, ठीक है। तो मतलब प्लस वाले ही सही हैं, तो ये ऑप्शन कभी सही नहीं होगा, ये ऑप्शन कभी सही नहीं होगा, ये दोनों हो गए गलत, 50-50 लाइफ लाइन, ठीक है। या तो बी सही है या तो डी सही है भाई, इन दोनों में से एक ही तो सही है। अब कौन सा सही है वो भाई, वो कैसे पता चलेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे तो हम भविष्यवाणी कर नहीं सकते, बाबा तो है नहीं हम लोग, ठीक है। बाबा बाबा के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। इस दुनिया का इस दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सके। अगर फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना होगा तो अभी पॉसिबल नहीं है, फ्यूचर का प्रिडिक्शन फ्यूचर में पॉसिबल है, ठीक है। तो क्यू बाई फोर, चलो सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत क्या है। नेट फोर्स देखो, अब सभी का फोर्सेस पहले ही देखो। अब इसको मैं प्लस क्यू तो लूंगा ही लूंगा, तो इसका इधर जाएगा, ठीक है। इसका जो वो अट्रैक्शन है भाई, ये माइनस है और ये इसका अट्रैक्शन इधर जाएगा, तब जो इन सभी फोर्सेस को इसके बैलेंस कर दो। अब वैल्यू निकालो, फोर्सेस की वैल्यू निकालो, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा देखो, ये पूरा डिस्टेंस, ये कितना है ए, ये कितना है ए, तो ये पूरा डायगनल कितना हो गया, तो डायगनल हो गया ए रूट टू, डायगनल हो गया ए रूट टू, डायगनल का आधा, ये कितना डिस्टेंस हो गया, हाफ ऑफ द डायगनल, दिस वन इज ए बाई रूट टू, ठीक है। इसका आधा ए बाई रूट टू का इसका आधा, ठीक है। तो चलो इनके बीच जो फोर्स है वो अकेले, ये जो फोर्स है वो अकेले बैलेंस कर रहा है इन तीनों के फोर्स को, तभी तो जाके रिजल्टेंट जीरो मिलेगा भाई। इसका, इसके, इसके, इन तीनों फोर्स को ये अकेले बैलेंस करेगा। तो चलो इसके फोर्स को लिख दो, इसके फोर्स को लिख दो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर और टू ऊपर गया, ठीक है। ए अकेले बैलेंस करेगा इन सभी को, ठीक है। तो इन सभी को अगर बैलेंस कर रहा है तो लिख दो भाई रूट टू एफ, रूट टू एफ, एफ क्या है साइड वाला फोर्स, साइड वाला फोर्स क्या हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। एफ डैश क्या है डायगनली रिपल्सन, डायगनली रिपल्सन ये लिया हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी के कैपिटल क्यू स्क्वायर, कैपिटल क्यू स्क्वायर डायगनल कितना है ए रूट टू, तो ए रूट टू का स्क्वायर दिस वन, ये फाइनली काट ओट लो, के ने के को, के ने के को, एक क्यू ने एक क्यू को, एक क्यू ने एक क्यू को, ए स्क्वायर ने ए स्क्वायर को, तो स्मॉल क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रूट टू डिवाइडेड बाई टू, रूट टू डिवाइडेड बाई टू प्लस
रूट टू डिवाइडेड बाई टू प्लस क्यू, और यहाँ बचा है एक क्यू और फोर। मतलब अगर थोड़ा ढंग से लिखूँ तो ढंग से लिखूँ क्यू फोर के टर्म में लिखूँ ना, ये फोर के टर्म में लिखा है, तो एक काम करो, तो यहाँ ये यहाँ से क्यू बाई फोर कॉमन ले लो, तो रूट टू प्लस क्यू वन, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। क्यू बाई फोर टू रूट टू प्लस वन, मतलब बी ऑप्शन सही है, दिस वन इज द करेक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलो ये एक आसान सा क्वेश्चन है, चलो करो कि टू स्मॉल बॉल्स ऑफ इक्वल चार्जेस कैपिटल की सस्टेंडेड आर हुक विद द इंसुलेटिंग थ्रेड इच अदर रिलेन इफ द अरेंजमेंट इन स्पेस देर इज नो ग्रेविटी द टेंशन। अब देखो टू स्मॉल बॉल है, ठीक है, चार्ज है, क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं तुमको समझा देता हूँ। यहाँ ये वर्टिकल वाली लाइन है, यहाँ से एक स्मॉल बॉल यहाँ है, ये लेंथ एल है, इस पर चार्ज प्लस क्यू है, इस पर भी चार्ज प्लस क्यू है, और ये जो बॉल है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है, और ये एंगल चार्जेज इक्वल होते हैं, मासेज इक्वल होते हैं, तो एंगल इक्वल होता है। ठीक है, चार्जेज है और आइडेंटिकल है तो एंगल इक्वल है। अब इसको मैं स्पेस में ले जाता हूँ, ये तो धरती की कहानी है, तो ग्रेविटी की कहानी है जहाँ जी लग रहा है, ऐसे जगह लेके जाओ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर मैं इनको स्पेस में लेके जाता हूँ, इफ़ द अरेंजमेंट कैरी डाउन इन स्पेस, अगर स्पेस में ले जाता हूँ जहाँ ग्रेविटी नहीं है, आया समझ में, ऐसा माना जा रहा है स्पेस में ग्रेविटी भरी पड़ी है। ठीक है, स्पेस में जाओगे हर पॉइंट पे ग्रेविटी भरी पड़ी है यार, ठीक है, बट हमने लगा दिया ना नो ग्रेविटेशन कंडीशन, मान लिया भाई कि ग्रेविटेशन नहीं है, ऐसे जगह लेके चले गए। तो अगर ऐसी जगह लेके चले गए जहाँ ग्रेविटी है ही नहीं भाई, तो जब अगर ग्रेविटी नहीं है तो मैं क्या करूँ, पहले धरती की कहानी देखते हैं जहाँ ग्रेविटी है, कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, टेंशन टी, रिपल्सन इधर गया, एमजी इधर गई, ठीक है, ये अर्थ की कहानी है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे जगह ले जाता हूँ जहाँ ग्रेविटी है ही नहीं, जी इफेक्टिव ज़ीरो, तो क्या होगा, समझ रहे हो, एम जी हो जाएगी गायब। पहले क्या होता था, टेंशन का एक कंपोनेंट इसको ऐसे बैलेंस करता था, एम जी हो जाएगी गायब, एम जी गायब होने की वजह से इनमें रिपल्सन तगड़ा हो जाएगा, कोई इसको बैलेंस करने वाला नहीं है, इलेक्ट्रिकल को कोई बैलेंस नहीं करेगा, तो फाइनली ये जो सिस्टम है स्पेस में वो मुझे ऐसे दिखेगा, ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा। ये जो थीटा था, जो थीटा टू थीटा एंगल था, वो 180 हो जाएगी, मतलब थीटा 90 हो जाएगा। स्पेस में ले जाओगे तो ये जो एंगल है ये पूरा दैट इज बिकम 180 डिग्री। ठीक है, अब स्पेस में तो भाई टेंशन तो लगेगी, टेंशन तो इधर लगी रही है, टेंशन टी लगी रही है, और एफ इलेक्ट्रिकल लग रहा है, तो टेंशन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एफ इलेक्ट्रिकल की वैल्यू के बराबर हो गई, जिसकी वैल्यू होगी के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन, इनके बीच का लेंथ 2L है, एक का 2L है, तो यह आ जाएगा 4L स्क्वायर, दिस इज द 10 इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स इसमें आ गया के क्यू स्क्वायर 4L स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर 4L स्क्वायर, सीधा सीधा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, कभी भी तुक्का नहीं लगाना, ठीक है ना, तुक्का नहीं लगाना, काम नहीं चलता तुक्के से। ठीक है, जितना आएगा एग्ज़ाम में उतना करना, एक्यूरेसी के साथ करना। ठीक है, अब ये देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको पढ़ो और सॉल्व कर देखो, ट्राई करो। देखो होता है, ट्राई करो। कहता है कि एक कंडक्टिंग रिंग है जिसका रेडियस आर है, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्यू है, रिंग पे चार्ज है इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लस क्यू, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द टेंशन ऑफ द वायर इफ ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस एट द सेंटर ऑफ द रिंग। चलो बनाते हैं, रुक जाओ भाई,
यहाँ पर एक कंडक्टिंग रिंग है, समझना इसको, कंडक्टिंग रिंग जिसके ऊपर पहले से ही चार्ज कैपिटल क्यू है, दिस इज अ कंडक्टिंग रिंग विच ऑलरेडी हैव चार्ज प्लस कैपिटल क्यू, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इसकी रेडियस स्मॉल आर है। अब मैं इसके सेंटर पर एक प्लस क्यू रख दूं, ठीक है भाई, टेंशन तो पहले भी होगा, स्ट्रिंग में प्लस चार्जेस बिखरे हुए हैं तो सामने वाला सामने वाले को अपोजिट रिपल करेगा, टेंशन पहले भी होगा। अब अगर मैं टेंशन अब रख देता हूँ तो टेंशन कितना इंक्रीज हुआ, इक्विलिब्रियम कुछ टाइम बाद, टेंशन इंक्रीमेंट होने के बाद इक्विलिब्रियम अचीव आ गई होगी, तो अब टेंशन इंक्रीमेंट कितना हुआ, उस इंक्रीमेंट की जो टेंशन की वैल्यू है वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं इसको, करते हैं। टेंशन देखने के लिए मैं इसको काटूंगा, ठीक है, यहाँ से मैं एक छोटा सा बहुत छोटा पीस लूँगा, ठीक है, और ये जो एंगल है बहुत छोटा एंगल, डिफरेंशियल एंगल, डिफरेंशियल एलिमेंट डी थीटा लिया, और ये एक बहुत ही छोटा आर्क लिया, ठीक है, यहाँ से मैं इसको कट किया, और कट करने के बाद कट करूँगा तभी मुझे टेंशन दिखेगा। चलो मैंने इस आर्क को यहाँ बना लिया कट करके, ये आर्क मैंने यहाँ बना लिया, ठीक है, कट करने के बाद, अब मैं कट करने के बाद इस आर्क को मैंने यहाँ बना लिया, दिस इज़ द आर्क जिसमें टेंशन इंक्रीमेंट हमें निकालना है, ठीक है ना, ये वाली चीज़। पर ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है, सोच समझ के पहले भी रखना है कि अभी भी ये इक्विलिब्रियम में है, मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है, चार्ज रखने के बाद कुछ टाइम बाद ये इक्विलिब्रियम में आ गया होगा। तो ये वाली जो एंगल है, ये लाइन जो है वो वर्टिकल वाली लाइन है, ये एंगल हो जाएगा डी थीटा बाई टू, एंड दिस इज ऑल्सो डी थीटा बाई टू, क्योंकि पूरा डी थीटा था, वर्टिकल था, इसको डिवाइड कर दिया मैं। अब टेंशन हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अवे लगता है, ठीक है, तो मान लो इसमें डेल्टा टी टेंशन इंक्रीमेंट हुआ होगा, ठीक है, तो लेट सपोज दैट इट इंक्रीमेंट, डेल्टा टी टेंशन इंक्रीमेंट हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर जो हॉरिजेंटल वाली लाइन है वो ये वाली है, और यहाँ पर जो वर्टिकल वाली लाइन है वो कुछ ऐसी है। तो अगर ये डी थीटा बाई टू है तो ये भी तो डी थीटा बाई टू होगा। अब ये वाली जो लाइन है वो रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री पे है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस डी थीटा बाई टू, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई टू। आया बात समझ में, ये डी थीटा बाई टू है तो ये भी डी थीटा बाई टू है, तो ये पूरा 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस डी थीटा बाई टू, और अगेन ये हॉरिजेंटल वाली लाइन है और ये वर्टिकल वाली लाइन है, तो ये 90 है, तो ये कितना हुआ, अगेन डी थीटा बाई टू। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो एंगल है वो डी थीटा बाई टू आ जाएगा, है ना, आया बात समझ में, ये डी थीटा बाई टू, ये डी थीटा बाई टू, ये 90 माइनस डी थीटा बाई टू, क्योंकि ये टेंजेंट है, टेंशन टेंजेंट है और रेडियस नॉर्मल है, और फिर ये वर्टिकल वाली लाइन हॉरिजेंटल वाली नॉर्मल है, डी थीटा बाई टू, क्लियर है। चलो अगर इतनी सी बात समझ में आ रही है तो टेंशन के जो इंक्रीमेंट इन टेंशन है उसके दो कॉम्पोनेंट आ जाए, ये आ जाएगा डेल्टा टी कॉस डी थीटा बाई टू, और एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा जिसको मैं बोलूँ डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई टू, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो डेल्टा टी इधर आ रहा उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा डेल्टा टी कॉस डी थीटा बाई टू, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई टू, डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई, ये साइन है, दिस एंगल इज साइन साइन डी थीटा बाई टू। अब इस रिंग का इक्विलिब्रियम देखो, इस रिंग के इक्विलिब्रियम में अगर ऐसे देखते हो, ये वेट वोट नहीं है, यहाँ मास वास नहीं है कुछ, ठीक है, तो ये रिंग अगर ऐसे है
ठीक है, टुवर्ड ऐसे आर्क है, तो नीचे की डायरेक्शन में जो नीचे की डायरेक्शन में लगा वो डेल्टा टी डी साइन थीटा बाई टू, और ये लगा डेल्टा टी है, इक्वल नहीं है ना, डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई टू। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो इसको बैलेंस कौन करेगा भाई, ये तो कैंसिल हो गए, ये वाला जो फोर्स है, ये दिस फोर्स एंड दिस फोर्स विल कैंसिल आउट, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो जो इस बोर्ड के प्लेन में अगर देखते हो तो जो नीचे लग रहा है डेल्टा टी डी साइन थीटा बाई टू और डेल्टा टी, इसको बैलेंस कौन करेगा, तो बैलेंस ऊपर यहाँ जो प्लस चार्ज रखे हो प्लस क्यू, और इस पे जो चार्ज आया होगा छोटा चार्ज कितना आया होगा, मान लो इस पे चार्ज डी क्यू आया होगा, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू था। तो ये इनके बीच जो रिपल्सन वाला फोर्स है, दैट स्मॉल रिपल्सन फोर्स डी एफ विल बैलेंस दिस टू फोर्सेस, ये दोनों जो फोर्स हैं इनको बैलेंस करेगा इनके बीच जो स्मॉल रिपल्सन है। अब उस स्मॉल रिपल्सन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई हमें, चलो तो उस स्मॉल की रिपल्सन निकाल, पहले डी क्यू निकाल लो, डी क्यू निकाल के देखो कितना चार्ज आया इसमें, हाउ मच चार्ज दिस एलिमेंट कंटेन, हाउ मच चार्ज दिस एलिमेंट कंटेन, दिस इज द डी थीटा, दिस इज रेडियस आर, तो आर्क की लेंथ कितनी हो गई, आर्क की लेंथ जो है वो आ जाएगी आर डी थीटा, आई होप कि आपको सबको आता होगा, आर्क इज इक्वल टू एंगल मल्टी, तो डी क्यू इज इक्वल टू, डी क्यू इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है 2πr, और इस लेंथ की वैल्यू आर डी थीटा, ये वो स्मॉल चार्ज आया, ठीक है, आर ने आर को ख़त्म कर दिया, तो कैपिटल क्यू डी थीटा 2π, कैपिटल क्यू डी थीटा 2π, दिस इज द स्मॉल चार्ज, हाँ सही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, तो क्यू डी थीटा 2π, दिस इज द स्मॉल चार्ज एसोसिएटेड विथ दिस रिंग, इस रिंग के इस छोटे से आर्क पे इतना चार्ज आया। तो अगर अब इतना चार्ज आया तो मैं इनके बीच जो रिपल्सन फोर्स है उसको मैं लिख दूं, ठीक है, बहुत छोटा एलिमेंट है, ध्यान देना भाई, बहुत बहुत छोटा एलिमेंट है, ज़्यादा, ठीक है, इस आर्क पे इतना छोटा एलिमेंट है डी क्यू कि उसको मैं पॉइंट ट्रीट कर रहा हूँ, तो डी एफ की वैल्यू जो आ जाएगी फोर्स, रिपल्सन फोर्स बिटवीन आर्क, आर्क कुछ नहीं है, कहने को आर्क है, इसकी औकात पॉइंट के बराबर है, कहने को आर्क है, रिपल्सन फोर्स बिटवीन द आर्क पॉइंट एंड एट सेंटर, जो सेंटर पर फोर्स है उसके बीच, तो सेंटर पे जो फोर्स है डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डी क्यू ओवर स्मॉल क्यू जो सेंटर पे है और इनके बीच का रेडियस आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलो, तो ये जो डी एफ है इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, जो डी एफ है डी एफ इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी के स्मॉल क्यू कैपिटल आर स्क्वायर, डी क्यू की वैल्यू डाल दो, डी क्यू क्या है कैपिटल क्यू टू पाई डी थीटा। अब यही जो डी एफ है वो आर्क के 2 sin theta को बैलेंस करेगा, इधर देखो ये जो आर्क है जो नीचे लग रहा है डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई टू और डेल्टा टी साइन डी, इसको यही बैलेंस करेगा, ठीक है, ऐसा मत सोचना, ज़्यादा दिमाग लगाने लगना, मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर रिंग का तो पॉइंट पे मानते हो, तो ये आर्क है इसका आप यहाँ क्यों नहीं मान लेते हो चार्ज, अरे भाई ये आर्क कहने को आर्क है, ये पॉइंट है इसलिए यहाँ मान लिया गया, ठीक है, तो टू टी साइन थीटा को ये अकेले बैलेंस करेगा कौन, ठीक है, दिस वन फोर्स, तो ये जो है 2 delta t sin d theta by 2 को अकेले बैलेंस करेगा। अब हम सबको पता है कि साइन थीटा अगर छोटा होता है तो ये थीटा के बराबर होता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा k स्मॉल q कैपिटल Q अपान r स्क्वायर 2π इज इक्वल टू d थीटा 2 delta t
डी थीटा बाई टू, तो टू ने टू को ख़त्म कर दिया, तो फाइनली जो हो कि आपको समझ में आया होगा कि कूलॉम लॉ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलो इसको करो, अपने से ट्राई करो, देखो होता है। लेट अस ट्राई योरसेल्फ। चलो इसमें क्या कर रहा है कि पार्टिकल ए हैव चार्ज क्यू एंड मास एम के जी फिक्स एट द बॉटम ऑफ ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन इंक्लिनेशन थीटा, वेयर शुड अ चार्ज पार्टिकल बी हैविंग सेम मास आर प्लेस्ड एट द इंक्लाइन सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ये आसान क्वेश्चन है। ये कहता है कि अगर मैं एक इंक्लाइंड प्लेन बनाता हूँ, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, ये मेरा स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लिनेशन थीटा है। अब ये पार्टिकल ए हैविंग चार्ज क्यू एंड मास एम इज फिक्स्ड एट द बॉटम, ठीक है। चलो बॉटम पे एक चार्ज फिक्स कर दो, ठीक है। चलो एक चार्ज यहाँ पर फिक्स कर देते हैं बॉटम पे, दिस इज द चार्ज क्यू मास एम, ये कहीं नहीं जाने वाला है, ये इसको फिक्स कर दिया गया, ठीक है। अब इंक्लाइन, वेयर शुड अनदर चार्ज पार्टिकल बी हैविंग सेम चार्ज एंड मास बी प्लेस सो दैट इट रिमेन इक्विलिब्रियम। अब इस स्मूथ सरफेस पे, इंक्लाइन पे, मैं कहीं पे चार्ज दूसरा रखता हूँ आइडेंटिकल, जिससे ये वाला जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे यार, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में रहे। अगर मान लो ये नहीं होता, सिर्फ ये होता, तो क्या होता, वो नीचे आ जाता, एम जी साइन थीटा इसको नीचे ला देता, ठीक है। लेकिन इसके रख देने से ऐसा चांस बन रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये रुक जाए, ठीक है। तो ये स्मूथ सरफेस है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, बताया ही नहीं गया, तो ये स्मूथ सरफेस पे है और ये कैसा है, एट रेस्ट में है, एट रेस्ट इक्विलिब्रियम में है। तो ये कहाँ रखा जाए, मतलब ये जो सेपरेशन है एक्स, दिस सेपरेशन एक्स, ये पूछ रहा है ना, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इस चार्ज, ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं उनको देखते हैं। तो कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं भैया, ठीक है, ये नॉर्मल गया ऊपर, एम जी गई नीचे, इसका रिपल्सन गया इधर, कितने फोर्स लगे, कुल मिला के तीन फोर्स लगे हैं भाई। इलेक्ट्रिकल गया इधर, नॉर्मल गया ऊपर, एम जी गई नीचे। अब ये रुका क्यों है, क्योंकि ये थीटा है, तो ये एम जी साइन थीटा इधर लग गया, ठीक है, और ये एम जी कॉस थीटा इधर लग गया। आ रहा समझ में, तो इसका मतलब ये हुआ एम जी कॉस थीटा ने नॉर्मल को बैलेंस किया होगा, नॉर्मल बैलेंस करेगा एम जी कॉस थीटा, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल बैलेंस करेगा एम जी साइन थीटा को, हमें चाहिए एक्स। अगर मैं इलेक्ट्रिकल का वैल्यू डाल दूंगा तो मुझे एक्स मिल जाएगा, के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, दैट इज एम जी साइन थीटा, है ना इंटरेस्टिंग बात। तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर ओवर एम जी साइन थीटा अंडर रूट, दिस इज द x। तो दिस इज द x फॉर विच इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। आई होप कि ये समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था। चलो थ्री चार्जेस इज ऑफ क्यू मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर रेडियस ऑफ माइनस क्यू एट द प्लेस एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इफ द चार्ज रिवॉल्विंग विद द कॉन्स्टेंट एंड सेम स्पीड इन द सर्कल देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ चार्ज। चलो ये लेक्चर पूरा देख लोगे तो जेई मेन्स या नीड में कूलॉम के लॉ से जो कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आएंगे उनको कर लोगे यार। एक और लेक्चर बनाऊंगा मैं इस पे, जिसमें हम एडवांस और जेई मेंस में अक्सर पूछा जाता है एसएचएम इन इलेक्ट्रो स्टेट, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई भी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं तुम्हें ज़रूर लेक्चर बनाऊंगा उस पे, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, ये कह क्या रहा है कि थ्री चार्जेस प्लस क्यू आर मेड रिवॉल्विंग इन ए सर्कल इफ माइनस क्यू प्लेट एट द सेंटर। पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, एक सर्कल है, इस सर्कल में थ्री चार्जेस हैं, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू,
और ये प्लस क्यू और इनके सेंटर पर माइनस टू क्यू। अब ये जो पूरा सिस्टम है वो कांस्टेंट स्पीड से ये चार्ज पार्टिकल जिनके पास मास भी है, कांस्टेंट स्पीड से ये तीनों घूम रहे हैं एक सर्कल में। इसमें स्पीड इसकी भी है, इसमें स्पीड इसकी भी है, इसमें स्पीड इसकी भी है, आ रहा ना समझ में? तो ये अगर कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे हैं तो हमें निकालना है उस स्पीड की वैल्यू, है ना? तो हमें अगर उस स्पीड की वैल्यू निकालनी है तो बेसिकली मास दिया है, मास इफ आई कंसीडर ग्रेविटेशन या नॉट इट डिसाइड द मास, थ्री चार्ज अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एंड ए पॉइंट माई प्लेस एट द सेंटर इफ द चार्ज रिवॉल्विंग कॉन्स्टेंट स्पीड। ग्रेविटेशन को इग्नोर करो, नेग्लेक्ट द ग्रेविटेशन, मास इज नॉट गिवेन, ठीक है। चलो तो अब देखो यहाँ पे सर्कल, सबसे बड़ी बात, कोई भी पार्टिकल, मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनो यार, मतलब बहुत ध्यान से, ठीक है, कोई भी पार्टिकल सर्कल में चलता है, किसी भी कर्व पे चलता है फिजिक्स में, सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंटीपिटल फोर्स क्या होती है? सेंटीपिटल फोर्स तो होती ही नहीं है, वो नेट रिजल्टेंट होता है, ठीक है, कोई नया फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये मूव करा तो ये नेट रिजल्टेंट रियल फोर्सेस का सेंटर की तरफ आ रहा होगा। अब सेंटर की तरफ कौन फोर्स आ रहा है, ठीक है, तो सेंटर की तरफ है ये प्लस क्यू, इनमें रिपल्सन गया, ठीक है, देखो प्लस क्यू इनमें रिपल्सन इधर गया, ठीक है, देखो फोर्सेस देख रहा हूँ मैं, तो ये इसको मैं थोड़ा बाद में बना, ये इस वाले चार्ज पे इसका रिपल्सन इधर गया, इस वाले चार्ज पे इसका रिपल्सन इधर गया, ठीक है, और ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर इसे इसका जो रेडियस है वो आर है, ऐसा इन्होंने दे रखा है, रेडियस आर है, तो हाउ मच दिस डिस्टेंस, ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये आ जाएगा आर बाई टू, ठीक है, ओहो ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमें निकालना पड़ेगा भाई, ये मान लो एक्स है, ठीक है, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, लगा दो कॉस थीटा उस थीटा, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में लगा दो कॉस थीटा, तो मैं कॉस 30 डिग्री अगर लगा दूँ, कॉस 30 डिग्री, तो मुझे मिल जाएगा कॉस 30 डिग्री लगा दो, कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री अगर मैं लगाऊँगा तो कॉस 30 बी बाई एच, एच अपॉन रेडियस आर, कॉस 30 साइन 60 रूट 3/2, दैट इज इक्वल टू एक्स ओवर आर, तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रूट 3r/2। तो हमें तो पूरी साइड चाहिए, इस ट्रायंगल की साइड चाहिए जो कि 2x के बराबर है, ठीक है, तो ये रूट 3r, दिस इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है उसकी जो साइड है वो 2r है, ये 2x है, दिस इज द 2x। तो ये एंगल पूरा कितना है 60 डिग्री, ये कितना है भाई, ये भी 60 है, तो अगर 60 पे इक्वल फोर्सेज होते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा, दैट रिजल्टेंट इज एफ डैश, लेट्स से एफ डैश, तो एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी, चलो निकाल लेते हैं एक बार, तो एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस 60, कॉस 60 साइन 30 1/2, मतलब ये आ जाएगा रूट 3f, f की वैल्यू डाल दो रूट 3kq² ओवर 2s, इन बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब 3r², दिस इज द f डैश, मतलब नेट आउटवर्ड फोर्स, समझना इसको गेम को। ये जो पार्टिकल है इस पर रियल में सेंटीपिटल नहीं अभी आया है, इस पर रियल में इन दोनों का जो रिपल्सन है वो इधर जा रहा है, लेकिन इस पर इसका अट्रैक्शन भी अंदर की साइड जा रहा है, अंदर की साइड इधर जा रहा है और इन दोनों का रिपल्सन इधर जा रहा है, ठीक है, एक ही लाइन में लगेंगे इस पर, तो
क्योंकि ये जो इक्वल है ना, तो ये 30 डिग्री पे लगेंगे, ठीक है, ये 30 डिग्री पे भी 30 डिग्री पे है, तो ये दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्टिकल पे जो सर्कल में घूम रहा है, जो पार्टिकल सर्कल में चक्कर लगा रहा है, इस पार्टिकल पे एक एफ डैश दो वर्टेक्स वालों का रिजल्टेंट इतना आया, और एक यहाँ पे जो सेंटर पे माइनस टू क्यू था और एक क्यू था और ये रेडियस आर था, इसका अट्रैक्शन इधर आया, इसको एफ डबल डैश बोल देता हूँ, ठीक है। तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स सेंटर की तरफ, नेट फोर्स वही क्या होता है, सेंटीपिटल फोर्स होता है। अरे भाई सेंटीपिटल फोर्स का क्या डिफिनेशन है, देखो कुछ नहीं, नेट फोर्स रेडियस में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, जो रेडियस में आ रहे हैं सेंटर की तरफ नेट, वही सेंटीपिटल होता है, ठीक है। तो सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी एम बी स्क्वायर ओवर आर, हमें वेलोसिटी चाहिए, मास, ठीक है, तो वेलोसिटी चाहिए। तो अब अगर ये जो मास है, अगर मास एम है, ग्रेविटेशन कंसीडर नहीं करना, इसका मास कंसीडर हो रहा है बेसिकली सेंटीपिटल के लिए, ना कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है। तो चलो, तो जो सेंटीपिटल है तो वो जो है एम बी स्क्वायर ओवर आर, दैट सेंटीपिटल फोर्स, नेट फोर्स एफ डैश माइनस एफ, दैट इज द सेंटीपिटल। एफ डैश क्या है भाई, एफ डैश माइनस क्यू माइनस टू क्यू और ये प्लस क्यू के बीच का अट्रैक्शन है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी के 2q स्क्वायर ओवर r स्क्वायर माइनस एफ डैश, तो पहले ही निकाले हो, एफ डैश पहले निकालो, कितना, रूट थ्री के क्यू स्क्वायर ओवर थ्री आर स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज द सेंटीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर r। अब अगर एम बी स्क्वायर ओवर r, तो यहाँ से काट कूट लो और यही जो वेलोसिटी है वो हमें सोल्यूशन देगा। तो फाइनल जो वेलोसिटी है v, दैट फाइनल वेलोसिटी इज, फाइनल वेलोसिटी इज k q स्क्वायर ओवर r, भी कॉमन आ गया, m इधर से उठ के आ गया, ठीक है, इधर बच गया 2, ठीक है, माइनस रूट थ्री अपान थ्री, दैट इज द अंडर रूट, दिस इज द वेलोसिटी प्लस माइनस, ये वाली जो है वो फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है। चाहो तो इसको रेशनलाइज कर दो, रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वन बाई रूट थ्री आ जाएगा, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो चलो, अब मैं कुछ अपने मन से कुछ नया क्वेश्चन देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो, करो देखो, ट्राई करो। अगर एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है जिसके जिसका साइड ए है, ये जो साइड है वो ए है, इसके वर्टेक्स पे यच हाइट पे, यहाँ पे मैं रखा हूँ प्लस कैपिटल क्यू मास, ठीक है, क्लियर है। चलो, यहाँ पे एक प्लस क्यू रख दिया और यहाँ पर भी मैं एक प्लस क्यू रख दिया और यहाँ पर भी मैं एक प्लस क्यू रख दिया और यहाँ पर भी मैं एक प्लस क्यू रख दिया, ठीक है। इस तरह से समझना इसको समझना कैसे है भाई, ये स्क्वायर है, स्क्वायर शेप का बॉडी है, इसके वर्टेक्स पे मैंने चार्जेज रखे और साथ साथ एक हवा में रखा, हवा में जो चार्ज रखा हुआ वो रेस्ट में है, तो हमें जो चार्ज रेस्ट में है उसका हमें मास निकालना है, ठीक है, वी वांट टू कैलकुलेट मास, इसका हमें मास निकालना है कि कितना मास होगा अगर सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इस चलो तो ये जो ऊपर वाला चार्जेस रखा हुआ है, इस ऊपर वाले चार्जेस पे फोर्सेस देखो, ठीक है, ये ऊपर वाला चार्जेस है, इस पे जो फोर्सेस देखोगे, द फोर्स विल कम लाइक दिस, इसका रिपल्सन इधर जाएगा,
एफ, और इसका हर एक का रिपल्सन, इसका इसका रिपल्सन इस पे इधर जाएगा। ये वर्टिकल वाली लाइन है, ये हॉरिजेंटल वाली लाइन है, ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो जो F ऐसे आ रहा है, F का एक कंपोनेंट इधर गया जिसका बोलूँ मैं F cos थीटा, F का एक कंपोनेंट इधर गया जिसका मैं बोलूँ F sin थीटा, F का एक कंपोनेंट इधर गया जिसको मैं बोलूँ F sin थीटा, और इस F का एक कंपोनेंट ऊपर गया जिसको मैं बोलूँ F cos थीटा। अरे भाई, जो ऐसे था हवा में, जो था ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है, तो ऐसे जो फोर्स लग रहा है ऐसे, उसके दो कंपोनेंट है, हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। उस तरह से सभी के जो इधर लगा रहा था, जो ऐसे लगा रहा था, ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल। तो ये जो वर्टिकल में जा रहे हैं वो चारों जुड़ जाएंगे, चार है ना, तो चारों को निकालेंगे, चारों जुड़ जाएंगे। अब अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, तो ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, एफ 4F cos theta must be balanced by its weight mg। आया समझ में? ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है, ऊपर जो भी फोर्स लग रहा 4F cos theta, वो नीचे वेट mg के बैलेंस के बराबर होना पड़ेगा, तभी तो भैया ये रेस्ट में रहेगा। चलो अब 4F cos theta की वैल्यू निकाल के सबको रख दो। तो जो ये वाली हाइट है वो अज्यूम कर लो h है, वर्टिकल हाइट h है, दिस हाइट इज h। तो यहाँ से ये वाली, यहाँ ये 90 डिग्री पर है, ये थीटा है, तो ये पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा, स्क्वायर का डायगोनल a रूट टू है, तो ये कितना हो जाएगा, a रूट टू का आधा, a रूट टू का आधा a बाई रूट टू, ठीक है। तो ये बाई a रूट टू, और ये हाइट h हो गया, तो ये कितना हो गया, हाउ मच, दैट इज ए स्क्वायर बाई टू प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी 4F, F की वैल्यू आ जाएगी 4F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर ओवर दिस ए स्क्वायर बाई टू प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। चलो cos थीटा की वैल्यू बोलो, cos theta की वैल्यू बोलो, इस ट्राइंगल में आ जाओ cos theta, ये हाइट h है, नहीं आ रहा समझ में, यहाँ एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये h है, ये हाइट h है, cos theta b by h, दिस वाली साइड, ठीक है। तो यहाँ cos theta is equal to b by h, मतलब h अपान और a स्क्वायर प्लस 2 प्लस h स्क्वायर की पावर 3 by 2, तो दिस इज द फाइनल फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल टू mg, तो ये mg के बराबर होगा। तो फाइनली जो m आ जाएगा, मास m, वो आ जाएगा 4 के क्यू स्क्वायर ओवर h, दैट मस्ट इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 प्लस h स्क्वायर 3 by 2, ठीक है। तो इस टाइप से हमने मास निकाला। तो दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, डिस्कस किए, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ तो मुझे डाउट में कमेंट करना, मैं आपको ये बताऊंगा। दूसरी बात, ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा कूलम्स लॉ पे, इसको अच्छे से इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो।